हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ऑफ अचीवर्स में आपका स्वागत है। और देखिए, इस वीडियो में सॉल्व करेंगे हम इस क्वेश्चन को। यहाँ पे इसको पी अपॉन क्यू की फॉर्म में लाना है। ध्यान दीजिएगा, 34 के ऊपर ही बार है, तो इसका मतलब ये बार बार रिपीट होता रहेगा। तो इसको पहले हम एक्स मान लेंगे, एक्स इज इक्वल टू 0.134 और जो बार जो है वो है 34 के ऊपर। इसको हम लिख सकते हैं 0.13434, क्योंकि ये रिपीट होता रहेगा इस तरह से। ठीक, अब यहां पे जो फर्स्ट स्टेप है वो ये है कि भाई इसको अगर फर्स्ट इक्वेशन मान लेते हैं, तो फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करना है उस नंबर से जिससे कि जो रिपीटिव नंबर है वो भी पॉइंट से पहले आ जाए। तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तक आएगा ये पॉइंट, तो आ जाएगा यहां पे। तो हम मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन फर्स्ट को 1000 से, तो देखिए इक्वेशन दोनों साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो इस साइड करेंगे तो आ जाएगा 1000x इज इक्वल टू 1000 मल्टीप्लाई बाय 0.13434 इस तरह से। ठीक है, तो इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए पॉइंट का 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट जो है राइट की साइड जो है ये पॉइंट खिसक जाएगा, तो आएगा 1343434 इस तरह से। ये जीरो कहाँ गया, तो इसके आगे जीरो लगाने का कोई सेंस नहीं है, क्योंकि पॉइंट से पहले मतलब कोई डिजिट उससे पहले जीरो आ जाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो हटा देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये हमारे लिए होगी सेकंड इक्वेशन। अब एक बार जो है इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम 10000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 10000 से क्यों मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि देखिए 10000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां तक में आएगा, नहीं 10000 से मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, इसको करेंगे 100 से मल्टीप्लाई, 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 100 से भी नहीं। तो मल्टीप्लाई करेंगे 10 से मल्टीप्लाई क्यों करा हमने, तो देखिए यहां पे 10 से x को करा तो 10x आ गया, और इसको करेंगे तो 10 मल्टीप्लाई बाय 0.13434 इस तरह से आएगा। तो मल्टीप्लाई करने पे आ जाएगा 1.343434। तो जो पॉइंट के बाद के डिजिट है ना वो सेम है, क्योंकि अब हमें इक्वेशन सेकंड को तोड़ेंगे। देखिए, तो फ्रॉम इक्वेशन सेकंड यहां पे आया था 1000x बराबर है 1343434 के। ठीक है, यहां देखिए इसको मैं इस तरह से लिख सकता हूं 133.1 प्लस 1.343434, तो ये पॉइंट की कोई जरूरत नहीं है, तो ये आ जाएगा 133 प्लस 1.3434, क्योंकि इन दोनों को जब प्लस करूंगा तो यही आएगा। और ये किसके बराबर है, देखिए यहां पे 10x के बराबर है, तो हमारा आंसर अब यहां पे आएगा। तो पुट 1.3434 की जगह हम क्या रखेंगे 10x, तो 1000x जो है वो बराबर हो जाएगा 133 प्लस 10x के, क्योंकि इसकी जगह हमने क्या रख दिया 10x। अब x वाली टर्म को एक साइड कर देंगे तो 1000x ये साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा 10x इज इक्वल टू 133, तो 1000 में से 10 गया तो 990x इज इक्वल टू 133, तो x बराबर हो जाएगा हमारा 133 अपॉन 990 के। तो अब एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हमारा आंसर सही है कि नहीं। तो देखिए हमारा आंसर है
33 को डिवाइड करेंगे 990 से, तो 0.1343434 यही आ रहा है। तो ये जो हमारा आंसर है ये सही है। तो इस तरह से आएगा इसमें, मुझे लगता है आपको समझ आया होगा। अगर आपका किसी और क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।